वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है सुमित और मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। और आज आपके लिए लेके आए एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो से आपने अगर कैप्शन पढ़ ही लिया होगा तो हम करने वाले कंपैरिजन इन दोनों का। इस ये अगर आप जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों सेम तो लग रहे हैं बट यस इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर है। एक है कॉपी और एक है ओरिजिनल। डब्बा अगर आप देख पा रहे हो तो डब्बे में कोई मतलब मैं बात करूं अगर यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो बिल्कुल डिटो कॉपी कर रखी है इन्होंने। और यहाँ पे आप एप्पल के लोगो देख सकते हो। फ्रंट में बिल्कुल सेम एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं ये आप देख सकते हो, उसकी फ़ोटोज़ हैं। और साथ में मैं आपको चारों तरफ से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए कॉपी और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे भी एप्पल एयरपॉड्स प्रो है और वायरलेस चार्जिंग केस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक एप्पल का लोगो है जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये स्टिकर ना हो तो ये सेम दिखने में ऐसे ही होगा, सब कुछ यहाँ पे सेम ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ सेम। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक फोटो है बिल्कुल सेम, मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल डिटो एक बॉक्स जो है बिल्कुल सेम लग रहा है। ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंस भी ये बस यही है कि एक स्टिकर लगा हुआ तो ये एक इंडियन मार्केट का प्रोडक्ट है और ये चाइनीज, ऑब्वियसली चाइनीज कह सकते हैं या जहाँ से भी कॉपी आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स बिल्कुल दोनों के दोनों सेम है, दिखने में कोई डिफरेंस नहीं है। कलर भी अगर आप देखोगे तो दोनों का बॉक्स का सेम है। ये अभी बॉक्स ओपन हो चुका है, अगर ये जब बॉक्स सील्ड था तो इसके ऊपर भी इस तरीके से ही स्टिकर लगा हुआ था जिसके अंदर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग एयरपॉड्स प्रो यूज करने वाले हैं तो जनरली लोग फर्स्ट टाइम जो लोग भी लेते हैं तो उनको ये चीज पता नहीं होती है कि कैसी पैकिंग है क्या है। ओरिजिनल पैकिंग जनरली आप इस चीज़ को देख के आप नहीं पहचान सकते हो कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा कॉपी है। आज इसको भी अगर सील कर दिया जाए वापस वैसा ही तो आप नहीं पहचान सकते। तो ये इस तरीके की इसकी पैकिंग है। हम यही चीज़ आपको आज दिखाना चाहते हैं कि आप किस तरीके से ओरिजिनल एंड कॉपी प्रोडक्ट को मार्केट में पकड़ सकते हैं ताकि आप लोग फूल ना बन पाए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स, जो कि दिल्ली एनसीआर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल ब्रांड है जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू ऑनलाइन सेल्स करते हैं। हम इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक और कॉल कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स बिल्कुल दिखने में सेम है, इसका कोई इश्यू नहीं है। और बाकी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक एप्पल का जब हम वारंटी चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जब हम एप्पल की कोई भी चीज़ लेते हैं यहाँ पे एक नंबर होता है सीरियल नंबर, वो हम जाके अगर चेक करते हैं तो आपको इसमें एप्पल की वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि ये वारंटी में है या नहीं है या अभी ये स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सेम ऐसे ही इसमें मिलता है। जब अगर आप इसको चेक करोगे, अगर जो भी फर्स्ट टाइम यूज़र है वो शायद इतना ना अवेयर हो इस चीज़ को लेके, जो फर्स्ट टाइम यूज़र को शायद इस चीज़ को नहीं देखेगा, वारंटी चेक नहीं करेगा। तो गाइस ध्यान से देखना, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आप देख सकते हो। यहाँ पे भी इसका सेल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो वैलिड सेल नंबर होगा वो इसका मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो कभी नहीं खुला है। और ये अगर आप बॉक्स की बात करो, देखो ये बॉक्स थोड़ा सा डैमेज है क्योंकि यूज्ड है, तो मैं इसका भी सब कुछ दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे देख सकते हो, कैसे इसको जज कर सकते हो, ये कॉपी है ओरिजिनल है, किसी ने अगर यूज़ कर रहा है तो इसके फीचर्स क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, इन दोनों का मैं कंपेयर करके ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि कमाना ये चीज़ सस्ती ज़रूर है लेकिन क्या आपको वो वर्थ देता है, क्या आप सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज़ करना चाहते हो या कोई क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हो। तो इसकी पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं। दिस इज ओरिजिनल वन एंड दिस इज क्लोन, जैसे कि आप कॉपी भी कह सकते हो। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये पहले से खुले हुए हैं, अगर आप वीडियो में देखोगे तो पहले से इसकी पैकिंग है क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे रख दिया है। आपको मैं इन दोनों में डिफरेंस दिखाने वाला हूँ कि चीज़ कैसी निकलती है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। इसकी जो सील है वो ब्रेक हो रखी है, इसकी सील ब्रेक नहीं हो रखी, आप सील यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले मैं इसकी सील ओपन कर लेता हूँ। ये हियर वी गो गाइस, इसकी सील जो है मैंने ओपन कर दी है। अगर आप बात करें इन दोनों को देखो, ये देखो और ये देखो, क्या पता चल रहा है कि कौन सा कॉपी है कौन सा ओरिजिनल है। अगर इस बॉक्स को भी थोड़ा सा पुराना कर दिया जाए तो कोई नहीं बता सकता ये ओरिजिनल बॉक्स है या कॉपी का बॉक्स है। ये देखो, ठीक है, अब मैं दोनों को इकट्ठे ओपन करूँगा। गाइस लेफ्ट वाला क्लोन है और राइट वाला कॉपी है। तो गाइस ये है राइट वन इज़ ओरिजिनल, लेफ्ट वन इज़ क्लोन। मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ, अगर आप देखो ना सिर्फ एक बॉक्स का नए और पुराने का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि वो पुराना है,
और देखा जाए बिल्कुल, देखो डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो अब इसको ऊपर इसको यहाँ से हटाते हैं, तो हियर वी गो। ये देखो राइट में और लेफ्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये अनबॉक्स्ड हो रखा है, तो इसको मैंने सिर्फ ऐसे रख दिया था सो दैट कि आपको दिखा सकूं कि कैसे चीज़ डली डलाई आती हैं। दिस वन इज ओरिजिनल, लेफ्ट वाला क्लोन है, तो बिल्कुल सेम दिखने में है। हम इसकी सील को ओपन करते हैं, सो दिस वन इज क्लोन एंड दिस वन इज ओरिजिनल। तो बॉक्स का कंटेंट पहले देख लेते हैं कि हमें क्या मिला है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें एप्पल एयरपोर्ट्स के हमें कैसे यूज़ करना है वो बता रखा है, कुछ और वारंटी समरीज हैं एयरपोर्ट्स, मतलब कंप्लायंसेस हैं, फॉर्म जो नॉर्म्स होती हैं, ये चीज़ आपको इसमें मिलने वाली। यहाँ पे आपको स्टिकर नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। ये था ओरिजिनल का, ठीक है, ओरिजिनल वाला राइट में रख रहा हूँ, और ये है कॉपी का। तो कॉपी में भी सेम अगर आप देखो तो एयरपोर्ट्स प्रो का भी बिल्कुल सेम ऐसी है। अगर आप देखो इसका मेन्यू, बस हाँ एक चीज़ है कि जो मुझे डिफरेंस पता चल रहा है वो शायद है चाइनीज़ में, ये देखो। सो गाइज अगर आप देखोगे तो ये है स्क्वायर में, और ये थोड़ा सा इसमें राउंड शेप है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा फ़ोन के साथ। राइट वन इज़ ओरिजिनल, लेफ्ट वन इज़ कॉपी, तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। और बाय चांस जैसे कि हमारी तरह अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चाइनीज़ में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, बिकॉज आजकल गैजेट्स चाइना से आते हैं, तो मे बी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मे बी, बिल्कुल राइट। लेकिन हाँ, मैं यही जरूर कहना चाहूँगा, थोड़ी सी जो इस प्रोडक्ट की है, क्लोन वाली प्रोडक्ट की जो पेपर क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है, मतलब हल्की है इस वाले प्रोडक्ट से, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखो, अगर आप देखोगे तो टच करने में पता चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है और कौन सा नहीं। तो और अगर बॉक्स की बात की जाए, बॉक्स के अंदर क्या है वो जरूर दिखाऊंगा। देखो बॉक्स की अगर शेप है तो बिल्कुल सेम है, कोई डिट्टो, मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे भी इसके जो ईयरबड्स के यहाँ पे दी जो दिए हुए हैं हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं वो भी इसके अंदर ही हैं, बिल्कुल सेम। इसको हम खोलते हैं, इसकी मैं क्वालिटी बता दूँ, ये हमें प्लास्टिक में मिलता है और ये मिलता है एक पेपर के फिनिशिंग में है। ये थोड़ा हार्ड केस ही है, बट इसकी क्वालिटी आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको लाइटनिंग केबल मिलेगी, मेरे फ्रेंड ने लाइटनिंग केबल जो यूज़ नहीं करी थी तो उसने सेम ऐसे रखा हुआ है, तो इसको भी मैं लेफ्ट में रख लेता हूँ। और इसकी ओरिजिनल है लाइटनिंग केबल जो मिलती है हमें, इस यूएसबी सी टू लाइटनिंग केबल मिलती है जो कि आजकल 12 में आ रहा है बेसिकली। और अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, बिल्कुल सेम, ये भी ये सेम ही है। और इसमें जो बर्ड्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं ये बर्ड्स सेम ही, अगर आप यहाँ पे देखो लेफ्ट में, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो राइट में आपको स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ और मीडियम साइज़ आपको तीनों इसमें मिलेंगे। तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हो दोनों की क्वालिटी। अगर मैं देखो फील करके बताऊँ तो दोनों की क्वालिटी में मतलब सेम ही लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मेरे पास ये होते फर्स्ट टाइम तो मेरे को भी ओरिजिनल लगते, लेकिन आपको मैं फील करके बताता हूँ क्योंकि वीडियो में ऐसे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब बारी आती है एयरपोर्ट्स प्रो की, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये तो वैसे पहले से ओपन था। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है प्रोडक्ट, मैंने इसको ओपन कर दिया है, और मैं इसको भी ओपन कर ही देता हूँ यहाँ से। ये ओरिजिनल है, नई चीज़ों को ओपन करने में मज़ा बड़ा आता है, वैसे नई चीज़ होती है, एक्साइटमेंट भी अलग ही होती है। सो गाइस अगर आप देख सकते हो तो लेफ्ट वाला जो है क्लोन है और राइट वाला ओरिजिनल है। अगर आप देखोगे तो इसमें शाइनिंग अभी फिलहाल नहीं की है, इसलिए इसमें आ रही है क्योंकि ये पुराना पहले से यूज्ड है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो 1 2 3 कोई कह सकता है, कोई इसमें से कोई भी नहीं बता सकता कौन सी ओरिजिनल है कौन सी नकली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें वाइट लाइट ब्लिंक कर रही है, इसमें अभी कोई भी नहीं करती, शायद ग्रीन करती है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये जो है वाइट लाइट ब्लिंक कर रही है और लेफ्ट वाले में कुछ नहीं करी है, शायद एक बार ग्रीन वाली करेगा जब इसको ओपन करते हैं राइट। ये शायद अभी कनेक्टेड नहीं है तभी वाइट लाइट कर रही है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ पहले, मैं लेकिन कनेक्ट करने से पहले आपको इसका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ना क्लोन दिखाता हूँ, क्लोन कैसा दिखता है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइटनिंग चार्जर है, साथ में पीछे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना, ठीक है। और दूसरे वाला का अगर मैं बात करूँ, सेम इसमें यही लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो ये देखो, ऊपर वाला क्लोन है, नीचे वाला ओरिजिनल है, फिर से बता देता हूँ। और अगर फ्रंट से देखोगे, फ्रंट में भी सेम आपकी मतलब डिज़ाइन है बिल्कुल एप्पल की तरह। और ये अगर लाइटनिंग चार्जर देखोगे तो ये भी पोर्ट भी सेम है,
ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे वाइट सिग्नल आ रहा है, अगर आप देख पा सकते हो तो। मैं इसको अंदर से और दिखाता हूँ पहले आपको। ये कुछ इस तरीके से है, अगर आप ये देखो तो इसमें जो है एयरपोर्ट्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा प्रो। ये ऐसा है सेम, ठीक है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँगा तो वो अब जो क्वालिटी की बात जो होगी ना, अब सिर्फ फिजिकली ना होके यूज़ करने पे होगी। फिजिकल तो आपको ऐसा दिखेगा, जो उसकी अपेयरेंस होगी वो सेम आपको दिखेगी। ये देखो, ये ओरिजिनल है, राइट वाला लेफ्ट वाला क्लोन है, आप देख सकते हो। दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं देखो, आपको वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा होगा लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसमें दोनों में बिल्कुल सेम आर, बिल्कुल जो उसका फॉन्ट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। पीछे से अगर आप देखो तो ये भी सेम है, नीचे से देखो तो भी सेम है, मतलब टोटली सेम है, मतलब इसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया है, मैंने यहाँ दोनों के लेफ्ट राइट के निकाल लिए थे। अब मुझे यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नकली है, अब इसमें कहीं मिक्स ना हो जाए, लेकिन अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो इसमें अगर मैं बताऊँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल A2084 चाइना, और इसको भी कोड लिखा हुआ है, और इसमें जो लिखा हुआ है वो एप्पल A2083 चाइना सेम नीचे, लेकिन जो कोड है वो थोड़ा सा अलग है। तो अब मुझे नहीं पता इसके अंदर कोड लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये इनका शायद आपस का सीरियल नंबर होगा जो कि हमारे मोबाइल के साथ कनेक्टेड होगा, तो वो जज कर पाए। अगर मैं बात करूँ ना अब इस की जो केस के अंदर, मैं थोड़ा सा केस के अंदर की बात करना जरूर चाहूँगा। अगर कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पे भी नहीं रीड कर रहा, लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ इसके अंदर लिखा क्या है। गाइज, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस जो चार्जिंग केसेस के अंदर सिर्फ वोल्टेज लिखी हुई है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे एप्पल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एप्पल नहीं लिखा हुआ, ओरिजिनल में एप्पल नहीं लिखा हुआ है, और बाकी सब कुछ सेम है। कि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि इसमें ना इंग्लिश में और चाइना में लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसमें इंग्लिश में अपना वोल्टेज दे रखा है, EMC कोई कोड होता होगा, मुझे भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैं कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हो उसके अपेयरेंस सेम, कोई इशू नहीं है। अब इनको कनेक्ट करने के बाद मैं ज़रूर इसमें बताऊँगा कि इसमें क्या चेंजेस है, कौन कौन से सेंसर हैं जो इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो कौन सा, अच्छा राइट वाला है ओरिजिनल, लेफ्ट वाला है क्लोन। तो गाइज, अगर मैं इनकी बात करूँ, अगर आपको क्लोन चाहिए हो तो आपको मिल सकता है। मैं आपको जगह बता दूंगा, उनका फ़ोन नंबर शेयर कर दूंगा, और प्राइस बता दूंगा। जो प्राइस है वो है 3000 आपको इसका मिल जाएगा, आपको कहीं भी मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगा। वैसे चाहिए हो तो मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा। जो राइट और जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल आपको ईबीआई पे भी मिल सकता है, और रीसेलर पे भी मिल सकता है, जो एप्पल के स्टोर्स हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड इसलिए की गई है क्योंकि जो ईबीआई के पास जितने भी मैसेज आते थे इंस्टाग्राम के थ्रू, वो कहते थे कि इसको, इस प्रोडक्ट को आप दे दो 2000 में, 1500 में। जो भी बंदा इनको मैसेज करता था उनको लगता था ये लोकल है, लोकल बेचो, क्योंकि हर किसी के माइंड में लोकल का ही भूत सवार है, क्योंकि हर कोई ना शॉप जरूर करना चाहता है। लेकिन गाइस, जो शॉप नहीं करना चाहते, जो एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बनाई गई है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम का, आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप इनसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो लोग 24000 या अपना मतलब कोई भी मोबाइल में या एयरपोर्ट्स प्रो में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ओरिजिनल ही लीजिएगा, देख के लीजिएगा, विद बिल लीजिएगा। बाकी देखो, सबकी पॉकेट होती है, कोई इस पर भी जाना चाहे तो उस पर भी जा सकता है। लेकिन ये EBR जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स, ये इसको सेल आउट नहीं करता है, क्योंकि उनका ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट पहले है। तो चलिए, बाकी मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ उसको, और यूज़ करके बताता हूँ उसमें क्या फील है और इसमें क्या डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस आपको मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि इसको मैंने ओपन करा है इस वक्त पे, तो आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। ये है ओरिजिनल है, अभी अगर आप देख पा रहे हो तो ये एयरपोर्ट्स प्रो मैंने अभी कनेक्ट करे हैं। कनेक्ट करने के बाद, पॉपअप विंडो आने के बाद ये कनेक्ट हो रहा है। मीडिया कंट्रोल, मैं भी इसको स्किप कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सब कुछ बताएगा कि इसको आपको कैसे मतलब यूज़ करना है। नॉइज़ कंट्रोल आपको इसको डायरेक्शन भी देगा कि यहाँ पे सेंसर है। आपको इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब आप इसको ओपन करोगे। इसमें H1 चिप होती है, जो इसका पॉपअप आता है, जो मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो आप इसको जब जैसे ही ओपन करोगे, आपके पास कनेक्ट का आफ्टर कनेक्ट जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी नोटिफिकेशन आएंगी। आप इसको हे सीरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सेटअप लेटर, आप जैसे कि देख सकते हो सुमित एयरपोर्ट्स प्रो यहाँ पे कनेक्टेड हैं। 47% इसकी चार्जिंग केस में, अभी मतलब चार्जिंग केस में जो बैटरी है वो 47% है, लेफ्ट वाला 53% है, और राइट वाला 82%।
तो अब इसको मैं इस कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इनको ईयर में लगाता हूँ और इसको लगाने के बाद फिर आपको बताता हूँ क्या फ़ील आता है। तो मैंने राइट और लेफ्ट में दोनों में लगा लिया है और लगाने के बाद इसमें जो मुझे ब्लूटूथ के अंदर ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप देखोगे आई बटन में जाके, आई बटन में ट्रांसपेरेंसी का है, ट्रांसपेरेंसी का आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी नोज से बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बाहर की आवाज़ आएगी। कोई मेरे को पीछे से आवाज़ दे रहा है तो मुझे वो सुनाई देगा, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरी वॉइस रिकॉर्डेड है, कोई पीछे से रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप ऑफ़ कर देते हो तो ऑफ़ करने के बाद सिर्फ मुझे ही आवाज़ आ रही है, अगर कोई बोलता है तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एसी की आवाज़ मुझे इस वक्त पे भी आ रही है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी आवाज़ आएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ यहीं तक आवाज़ आएगी। अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन में जाता हूँ तो नॉइस कैंसिलेशन में बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कान वैक्यूम फिल हो गया। बहुत सारे सब फ्लाइट में जाते हैं ना, बिल्कुल ही कान बंद हो गए हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा इरीटेशन वाला सीन लग रहा है, इरीटेटिंग लग रहा है, लेकिन हाँ नॉइस कैंसिलेशन भी किसी चीज़ के लिए ही दिया गया होगा। तो ऐसा लग रहा है गला मेरा दब गया है। तो फिलहाल इसको मैं ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी में ही मतलब मुझे फ़ायदा है क्योंकि मेरे को बाहर की आवाज़ सुननी है। अब इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है सेकंड है सेंसर, नॉइस कैंसिलेशन आपको करनी है नहीं करनी है तो आप उसको यहाँ पे कोई भी लेफ्ट या राइट अपना उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर एक इसके अंदर आता है ईयर टिप टेस्ट है, ईयर टिप टेस्ट में अगर जाएँ तो इसमें हमें पता चलेगा एयर क्वालिटी कैसी है और क्या ये नॉइस कैंसिलेशन यूज़ करेगा नहीं करेगा। तो कंटिन्यू करते हैं, ये अब इसमें आ रहा है कि ईयर टिप फिट टेस्ट, मतलब ये फिट ओके टेस्ट करेगा। तो म्यूज़िक आएगा इसके अंदर, एक मैं प्ले करता हूँ लेफ्ट और राइट का, ये पहले चेक करेगा। तो इसको हम प्ले करा, इसके अंदर अभी म्यूज़िक बज रहा है, तो अब ये टेस्ट कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है गुड सील, कहने का मतलब है गुड सील कि अब ये मतलब मेरे ये जो कह सकते हैं जो इसके साथ ईयरबड्स मिले हैं, जो बर्ड्स मिले हैं, जो आपने देखा होगा तीन बर्ड्स हैं, लार्ज स्मॉल और मीडियम, मैंने मीडियम लगाए हुए हैं तो मीडियम मेरे कानों में फिट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं इसमें रिजल्ट है जो क्लियर हो चुका है। और माइक्रोफोन इसके अंदर है, माइक्रोफोन अगर आप देखो तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि माइक्रोफोन कौन से लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है। द एक्टिवेट माइक्रोफोन कैन ऑटोमेटिकली चेंज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जब आप कोई भी अगर सपोज आप कोई एक माइक्रोफोन लगाना चाहते हो तो आप उसको ऑटोमेटिक स्विच एयरपोर्ट मतलब ऑटोमेटिकली स्विच एयरपोर्ट्स उस पर कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कोई कभी कभार आप जल्दबाजी में इसको ऑन करते हो और आप लगा लेते हो तो राइट में कभी कभार लेफ्ट का लोगे, कभी राइट का लोगे, तो आप इसमें ऑटोमेटिक कर दीजिए तो आपको वहीं पर माइक उसमें यूज़ हो जाएगा। अगर आप ऑलवेज लेफ्ट का करो तो ऑलवेज लेफ्ट, या ऑलवेज राइट का करो तो ऑलवेज राइट, ये फिर आपकी प्रेफरेंस है। और बाकी इसके बाद की अगर मैं इसके और ऑप्शन में जाऊं तो अगर यहाँ पे अगर आप अबाउट देख पा रहे हो तो अबाउट में आपको मॉडल नेम दिखेगा, मॉडल नंबर दिखेगा, मॉडल नंबर शायद ये A2084 ये एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर लिखा हुआ है, और सीरियल नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, सीरियल नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सीरियल नंबर इसमें है KKT, जो मैं बॉक्स पे देख पा रहा हूँ सेम है राइट, ये है सीरियल नंबर। और इसमें जो वर्ज़न है वो 2D15 है, अभी वर्ज़न जब शायद मेरे को लगता है कि जब हम इसको एप्पल को अपडेट करते हैं अपने फ़ोन को शायद ये भी अपडेट हो जाते हैं इसके साथ। और आप में इसको डिसकनेक्ट और फॉरगॉट दिस डिवाइस का भी ऑप्शन इसमें आ रहा है तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ब्लूटूथ के अगर आई बटन में जाते हैं तो आपको ये सब सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब डिफरेंस मैं बताऊँ तो ऑब्वियसली म्यूज़िक प्ले करके देखता हूँ, गाइस अभी ओरिजिनल चल रहे हैं तो म्यूज़िक तो ऑब्वियसली म्यूज़िक तो चलो ठीक है, इनके साउंड तो अच्छी है ही है, इसमें क्या कंपेयर करना। लेकिन हाँ, मैं कुछ फीचर्स हैं जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है तो जब अगर आप ओरिजिनल यूज़ करते हो तो इसके में कुछ सेंसर्स हैं, वो आपको ये यूज़ होंगे कि अपने उसके हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से जब आपके पास कॉल आती है तो वो डिटेक्ट करेगा कौन से लेफ्ट में है राइट में है। और अगर आपके पास फ़ोन आती है, अगर आपकी जो टोन है, फ़ोन की टोन है जो है, वो आपको इसके अंदर सुनाई ज़रूर देगी। एक डिसेंट आवाज़ जो होती है जो कंपनी ब्रांड बना के देती है वो आपको इसके अंदर सुनने को मिलेगी। इसी तरह अगर मैं लोकल प्रोडक्ट की बात करूँ तो लोकल में जब आपके पास फ़ोन आता है तो लोकल में वो फ़ोन 192 एक लेडी होती है जो मतलब कह सकते हैं जो ब्लूटूथ हम नॉर्मल भी यूज़ करते हैं, तो वो बोलेगी, वो आपको नंबर बताएगी कि इस नंबर से कॉल आ रहा है, फ़ोन आपका उसमें रखाइए। लेकिन मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल में आपको सिर्फ साउंड रिंग साउंड सुनाई देगा, लेकिन जो लोकल होगा लोकल में 1926 जो भी आपका नंबर कोई फ़ोन आ रहा होगा वही सुनाई देगा। आपने नंबर सेव कर रखा है तो भी नंबर ही सुनाई देगा, नाम सुनाई नहीं देगा।
तो इसमें कुछ ये चीज़ें हैं। और बाकी जो सेंसर हैं ऑब्वियसली वो सेंसर नहीं चलेंगे जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ओरिजिनल को, तो आपको ओरिजिनल के साथ सीरी का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको सीरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो आप इसमें पॉपअप ज़रूर आएगा कि आपको ऐसा फील करेगा कि ओरिजिनल है, लेकिन वो सिर्फ कनेक्ट होएगा और कनेक्ट होने की आवाज़ भी इसमें जो डिसेंट आवाज़ जो आती है ना डिंग एक साउंड है, तो वो ज़रूर आएगी। उसके बाद आपने ऑन करा लगाया, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, बहुत कम मतलब बीच बीच में हट जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा जब आपको वीडियो देख रहे हो, तो कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो आपको पहले मेक श्योर कि आपको मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कनेक्टेड है या नहीं है, आवाज़ सो आ जाती है। और इसका इसमें कभी कभार क्या होता है जब आपने अपने ईयर में लगाया हुआ है ना, तो इसका पावर ऑफ भी हो जाता है खुद ही, और इसमें लिखा आता है कि पावर ऑफ, तो मतलब वो एक लेडी बोलती है जो इसका कंप्यूटर जो भी इसमें फीड हो रखा है। तो लोकल में ये है डिफरेंस जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, यूज़ करने में आपको ऑब्वियसली डिफरेंस तो पता चलेगा चलेगा, साथ के साथ कुछ फीचर्स हैं जो डिसेबल्ड होंगे ऑब्वियसली, सिर्फ ये चीज़ आपको ये लगेगा कि आपने सिर्फ एप्पल पहना हुआ है, लेकिन क्वालिटी ओरिजिनल में ही मिलेगी। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।